हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातों के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए। क्या जाएंगे आप जरा वो फिल्मों का पूरा दौरे पोस्टर लॉन्च भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कितनी खुशी की बात है। सबसे पहले नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और आने वाला दशहरा है उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं और इसी पावन अवसर पे आज दो फिल्मों का मुहूर्त है तो मैं पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। खास करके हमारे इस फिल्म के जो हीरो हैं आनंद जी, मैं उनको करीबी से जानता हूं, लखनऊ से जानता हूं, तो उनको भी ढेर सारी बधाई हो और पूरी इंटायर टीम को लाख लाख बधाई हो। नमस्कार, मैं सत्येंद्र सिंह और आज बहुत खुशी की दिन है कि हम लोग नवरात्रि की शुभकामना देता हूं, दशहरा का भी और पावन त्यौहार आ रहा है छठ उसका भी आगामी हार्दिक शुभकामना। आज बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग आए आनंद ओझा जी के फिल्म के मुहूर्त पे। दिल से धन्यवाद देता हूं, आशीर्वाद प्यार देता हूं कि फिल्म बने, सुपर डुपर हिट हो और पूरी इंटायर टीम को बधाई, ये फिल्म अच्छा बने और फिल्म रन है तो क्या बात है। रन अपने आप में बहुत बहुत मजबूत टाइटल है, माही है तो लगता है कि बहुत प्यार मोहब्बत होगा और कुंभ है तो इसके लिए क्या पूछ रहा है। तो तीनों फिल्मों को शुभकामना है मेरे तरफ से कि फिल्म बने, सुपर डुपर हिट हो और हमारे पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा आगाज होने जा रहा है कि तीन तीन फिल्में अभी भी अगले दो तीन दिन पहले मैं आया था तो बहुत अच्छा है और दिल से धन्यवाद देता हूँ कि फिल्म अच्छा बने और बनते रहे। अमृत जी, इस खुशी के साथ साथ एक गम भी है, दुख भी है, बिहार में बाढ़ आई हुई है और हम लोग खुशियाँ मना रहे हैं नवरात्रि की, लेकिन वहाँ पर कुछ आपदाएँ आई है, क्या कुछ कहना चाहिए। मैं बिल्कुल, इस जो आपदा आई हुई है हमारे बिहार और साथ ही साथ यूपी में और उत्तर भारत में कुछ और भी राज्यों में, मैं इसके लिए बहुत ही अफसोस जाहिर करता हूँ। उन लोगों के साथ हूँ जो इस पीड़ा को हर पल सह रहे हैं और इस समय इस दौर में जो झेल रहे हैं, मैं उस पीड़ा के एकदम गठित हूँ और कुछ एनजीओ के साथ भी हूँ। जैसे अभी कुछ ही पल दिन पहले खेसारी जी भी कुछ एनजीओ को लेके कुछ लोगों को मदद कर रहे हैं, हम सब उसी इंटायर टीम में हैं और हम जितना हो सकता है लोगों को बोल रहे हैं कि मदद करें और खुद हम उस मदद में एक सहयोगी बन के पिलर और स्तंभ बन के और लोगों को अपने उत्तर भारतीय जो बिहार और यूपी के लोग हैं उनको हम मदद दे रहे हैं। देखिए, मैं तो बहुत, मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ, इस चीज से, इस आपदा से बहुत दुखी हूँ। जो बुरा हाल है पटना और चाहे अपने हमारे जितने भी बारिश के लोग तबाह हुए हैं, फ्लड है, बाढ़ आ गई है, तो उसके लिए हमारे जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मेरे बड़े भाई हैं मंजीत सिंह भैया से मैंने बोला है और मेरी जितनी भी ताकत है जो मैं हूँ तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन लोग तक पहुँचे और मेरा जितना भी पहचान है उन लोग से मैं भी बोला हूँ कि भाई इन लोग के लिए कुछ किया जाए तो वो लोग तैयार हैं, कर रहे हैं। और मैं एक और कहना चाहता हूँ कि हम यूपी बिहार से ही ज़्यादा फिल्म करते हैं, चाहे ज़्यादा एक्टर लोग हैं, तो भाई इस आपदा में आप लोग जो बड़े लोग हैं, जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, मैं तो छोटा एक्टर हूँ, बहुत फिल्म कम करता हूँ, तो आप प्लीज़ उसके लिए आगे आएँ और जितने भी गरीब लोग हैं, जो फंसे हैं, जो लाचार हैं, जो बाढ़ पीड़ित हैं, उनको मदद करें। दिल से मैं आप लोग से ये कहना चाहता हूँ, मेरे बड़े भाई, आप लोग ज़रा देखिए बिहार की ओर, फिल्में लगती हैं वहीं से हम लोग पैसा कमाते हैं, सबका घर बड़ा भरा हुआ है, लेकिन प्लीज़ आप लोग थोड़ा देखिए, वहाँ स्थिति बहुत दयनीय है। मैं दिल से बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं भुगत भोगी हूँ, मेरा भी घर के चारों तरफ पानी रहता है और हमारा जिला हरदम दह जाता है इसके लिए। हाँ बिल्कुल, मैं अभी जल्द शूटिंग पूरी हुई है, पोस्ट प्रोडक्शन भी हो गया है और मार्केट में ट्रेलर भी आ चुका है जिसका नाम है लव मैरिज। मैंने बिल्कुल अक्षरा जी के साथ में लव मैरिज एक फिल्म की है तो आप लोग इसे बहुत पसंद करेंगे और देखेंगे और जल्द मुझे लग रहा है दशहरे के बाद रिलीज भी होगी। शायद आप पता ना आई होती तो इसी दशहरे में रिलीज होती, हम दशहरे के कुछ समय 10-15-20 दिन बाद रिलीज करेंगे। जिसको हो लेकिन फिल्में और फिल्मों का एक स्क्रिप्ट होता है, स्क्रिप्ट के हिसाब से मैं उनका को आर्टिस्ट हूँ, मेरी को आर्टिस्ट है, बिल्कुल मैंने बेखुदी उनसे लव किया है और बहुत ही बेइंतहा ये फिल्म बनी है, लोगों को बहुत पसंद आएगी कि प्यार में कितना ताकत होता है।
नहीं बिल्कुल, लोग आए हैं और आते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिल्म फिल्म होती है और फिल्म के किरदार अपने आप में एक मजबूत होता है, चाहे विलन हो चाहे हीरो, सबका अपना एक किरदार होता है, अपने किरदार को बेखुदी से निभाते हैं। थैंक यू। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।